हमारी मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है, तमाम जितने भी मंदिर हैं उनसे भी ऐलान हो रहा है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर जैन टेम्पल्स हैं, हर बार सुबह शाम वहां से ऐलान हो रहा है और पब्लिक उस पर बाकायदा अमल कर रही है। दूसरी बात प्रतीक भाई, यहाँ पर सरकार की अगर हम आलोचना करते हैं मैं और निशांत वर्मा जैसा है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सरकार और मजबूत बने, क्योंकि आलोचना भी एक पॉलिसी का हिस्सा बस एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक बात ध्यान रखना चाहिए अजीजुर रहमान साहब, आप आलोचना करें, आलोचना स्वीकार है, आलोचना तो स्वीकार है, लेकिन अपशब्द और गरिमा के खिलाफ कोई चीज स्वीकार कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है, और आगे से सोचना भी पड़ेगा। ये भी मैं जोड़ देता हूँ जी। सुप्रिया साहब जोड़िए, सुप्रिया कुछ जोड़ना चाहती है। सुप्रिया जी, इतना कहना चाहती हूँ कि आज हम सांप्रदायिक बातें नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को ये संक्रमण हुआ है वो भी हिंदुस्तानी है, मैं खुद महाराजगंज से हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 6 लोग तबलीगी जमात की वजह से पाए गए संक्रमण में, उनको क्वारंटीन में रखा गया, उनके घर वालों को आइसोलेशन में रखा गया, थैंकफुली रिजल्ट आया कि घर वालों के नेगेटिव टेस्ट है। ऐसे शासन को करना पड़ेगा, हम लोगों ने सकारात्मक भूमिका निभाई, लोगों को समझाया कि आपको साथ आना पड़ेगा, इस तरह से सांप्रदायिक रंग देना हमारे लिए और देश के लिए इस समय गलत होगा। जी ममता काले, ममता काले बहुत अच्छी बात, ममता काले बचना पड़ेगा, बचना चाहिए और बिल्कुल बचना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। जी ममता काले, ममता काले बिल्कुल प्रतीक जी, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली कि कोई सांप्रदायिक रंग इसको नहीं देना चाहिए और कोई दे भी नहीं रहा है। जहां से मैं देखती हूं मुझे नहीं लगता कि कोई दे रहा है। तबलीगी जमात की बात हो रही है, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की बात हो रही है, जो बहुत अच्छा क्वारंटाइन और जो हमारा लॉकडाउन चल रहा था उस सब पर उन्होंने पानी फेर दिया है। मैं अभी जो हूं अतीक रहमान भाई से ये बोलना चाहती हूं कि देखिए आप सरकार की बुराई करते हैं, कीजिए कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, जहां पर सरकार गलत करती है आप बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जो है सरकार का हर स्टेप हर मेजर जो है बिल्कुल सही है, सराहना कीजिए एक एक चीज की। और दूसरी बात यह बोलना चाहूंगी आपसे कि मौलाना साद जैसे लोगों की खुल के आके आप लोगों को भर्त्सना करनी चाहिए, जो COVID-19 के नाम पर अपने कम्युनिटी के लोगों को भड़का रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, बेचारे मुस्लिम भाई बहनों को, हमारे एंड ऑफ द डे वो हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि आप जो है जाइए मस्जिद में रहिए क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इन सब चीजों की भर्त्सना करने की आवश्यकता है। दूसरा एक और निवेदन आप प्लीज कीजिए, कन्नौज में जब पुलिस गई एक मस्जिद के अंदर जहां पर सब लोग मिलकर के नमाज अदा कर रहे थे उनको हटाने के लिए, तो पुलिस की पिटाई कर दी। निवेदन कीजिए, हम सबको करना चाहिए किसी भी समाज के हों कि प्लीज डॉक्टर्स के साथ पुलिस के साथ जो आज आपकी रक्षक बनी है उनको, वो आपके भक्षक नहीं है, अपने आपके भले के लिए अपने आप को वो डेंजर में डाल रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, उनको गाली गलौज मत दीजिए, उन पे थूकिए मत, उनको मारिए मत। ये तो बात सबको समझ में आनी चाहिए, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, पुलिस आपको बेहतरी के लिए है, प्रशासन आपके बेहतरी के आपकी रक्षा के लिए है। अतीक रहमान साहब, एक सेकंड, एक लाइन बोल दूं, कोई एक मिनट अतीक भाई, एक सेकंड, एक लाइन बस कह दूं फिर आप कह लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। देखिए हम सबको, पुलिस वालों को हम सैल्यूट करते हैं, नर्सेस को, डॉक्टर्स को और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सैल्यूट करते हैं। अतीक रहमान साहब को दे दीजिए, बल्कि इनको हार पहनाना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको अपनी फैमिली को छोड़ के हमारी जिंदगी बचाने में लगे हुए, हमें बड़ा इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल साहब, अतीक रहमान साहब, बेशक आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, ममता काले जी भी आपका, और ये मैसेज जा रही है प्रतीक जी, ये मैसेज जा रही है हमारी तरफ से। हमने आलोचना भी की तबलीग जमात की, उनकी लीडरशिप की, उनको कटघरे में हमने खड़ा किया है, और हम पुलिस पर जो हमला हो रहा है, डॉक्टर्स पे जो हमला हो रहा है उसकी तो बड़ी कड़ी निंदा की है। उसके साथ साथ ममता जी आप इस बात को समझिए, जो बेरी होती है उसी पर पत्थर पड़ते हैं, सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता है जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अतीक रहमान साहब? आलोचना कंस्ट्रक्टिव, आलोचना को वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं समझता क्योंकि